हम सभी BTS के हर एक मेंबर को फुली सपोर्ट करते हैं, है ना आर्मीज। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जंगकुक के न्यू सॉन्ग की वजह से ही BTS आर्मीज के बीच में लड़ाई हो चुकी है और हमारा अपना ही फैंडम दो हिस्सों में बट गया है। ये लड़ाई बढ़ती ही चली जा रही है और अब इसका क्या अंजाम निकलने वाला है वो जानने से पहले, और ये लड़ाई आखिर किस बारे में है, क्यों जंगकुक को लेकर BTS आर्मीज लड़ने लगी, ये सारे सवालों के जवाब लेने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो BTS आर्मीज, BTS के मेंबर्स के बीच में फर्क करना हमने नहीं सीखा। हम सभी OT7 फैंस हैं, यानी हम सभी सातों मेंबर्स को डेफिनेटली पूरे तरीके से दिल से सपोर्ट करते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से BTS आर्मीज दो हिस्सों में बट गई। तो आप सभी को पता ही है कि जल्दी ही हमारे BTS के मेंबर जंगकुक का सॉन्ग 7 आने वाला है, जिसके लिए दुनिया भर की BTS आर्मीज बहुत एक्साइटेड थी। बट हुआ ये कि 7 को लेकर काफी सारी फाइट्स होने लगी, क्योंकि बहुत ही सारी आर्मीज जो कि जंगकुक को सपोर्ट करती हैं या फिर जो जंगकुक को फुल सपोर्ट देना चाहती हैं, उनका कहना था कि जंगकुक को ही फोकस करना चाहिए जब उनकी एल्बम आ रही है। तो बेसिकली हुआ ये कि जंगकुक का जो न्यू सॉन्ग है 7, उसके नाम से पता चलता है कि ये काफी ज्यादा BTS और आर्मी से कनेक्टेड होने वाला होगा, जैसे कि BTS के मेंबर 7 है और आर्मी का 7 नंबर से एक लकी रिश्ता है। लेकिन डिस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि एक फनी समर सॉन्ग है जिसका आर्मीज वेट कर रही थी। तो हुआ ये कि जंगकुक की एल्बम आने से पहले बहुत ही सारे आर्मीज ने डिमांड करी कि हमको जंगकुक की एल्बम पर फोकस करना चाहिए, और ये बात सुनकर OT7 फैंस, यानी वो फैंस जो कि सातों मेंबर्स को इक्वली सपोर्ट करते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और काफी सारे फैंस के बीच में फैन वॉर स्टार्ट हो गई। हालांकि दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि BTS के मेंबर फिलहाल सोलो अपनी एल्बम्स लॉन्च कर रहे हैं और OT7 को सपोर्ट करने का मतलब होता है हर एक BTS मेंबर को सपोर्ट करना। जरूरी नहीं कि हम हर मेंबर को साथ ही में सपोर्ट करें, बाकी मेंबर्स के साथ भी तो यही किया है ना हमने। जब J-Hope की एल्बम आई, जब Jimin की एल्बम आई, जब RM का सॉन्ग आया, तो हमने फुली उसी पर फोकस किया। तो इसी तरीके से अभी भी आर्मी चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ जंगकुक पर फोकस करा जाए, लेकिन काफी सारे फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका कहना है कि जो OT7 पेजेस हैं या फिर जो OT7 अकाउंट्स हैं, वो जंगकुक को सोलली फॉलो नहीं कर सकते और ये काफी गलत बात है। उनका कहना है कि ये तो एक तरीके से फैंडम वॉर छेड़ना हो गया कि आप सिर्फ एक ही मेंबर को सपोर्ट करोगे बाकियों को नहीं करोगे, जबकि इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली कुछ था नहीं। तो एक्चुअली इन सभी चीजों को लेकर BTS आर्मीज के बीच में एक नई जंग छिड़ी हुई है, जहां पर फैंस आपस में लड़ रहे हैं, जो कि हमारे फैंडम के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो BTS आर्मीज, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जंगकुक को सपोर्ट करना गलत है या फिर सही। साथ ही साथ जाने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।